मुबारक हो बाबर के फैंस को, पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि आपके बैटर बाबर आजम बन चुके हैं एक बार फिर ओडीआई में नंबर वन। कांग्रेचुलेशंस, बाबर आजम नंबर वन बन चुके हैं। क्यों भाई? क्योंकि इंडियन टीम की बदौलत। शुभमन गिल को हमने साउथ अफ्रीका के लिए ओडीआई में रेस्ट कराया, अब रेस्ट कराया जिसकी वजह से शुभमन गिल लॉस द पॉइंट्स एज ही वाज रेस्टेड इन साउथ अफ्रीका ओडीआई, मतलब उनके पॉइंट्स गिर गए। रैंकिंग है वाकई, जब आप रैंकिंग पे नजर डालेंगे, रेटिंग पे नजर डालेंगे तो आप यकीनन चौंक सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने मतलब ना कोई तर्क पता चल रहा है ना कुछ, और एकदम से आईसीसी ने यहाँ पे शुभमन गिल का जो रेटिंग है वो 20 पॉइंट डाउन कर दिया है, और बाबर आजम इस हिसाब से अब दुनिया के नंबर एक ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो आईसीसी की रेटिंग पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सामनी क्रम आज यानी बुध वाले दिन आईसीसी की एक बार फिर रैंकिंग की नई अपडेट सामने आई है, जिसने हमारे पड़ोस में एक मातम किसी फजा को फिर से शुरू कर डाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स से वो नफरत करते हैं, ये कहा जाए कि जिसकी कारकर्दगी से जलते हैं या जिसकी रैंकिंग सामने आती है तो उस पर सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, तो वो कोई और नहीं पाकिस्तान के साबिक कैप्टन बाबर आजम है। क्योंकि नई अपडेट में बाबर आजम एक बार फिर वनडे क्रिकेट के बेताज बादशाह बन चुके हैं, नंबर वन पोजीशन पर विराजमान हो चुके हैं, और बाबर आजम के पास ये रिकॉर्ड भी है कि वो इससे पहले सबसे ज्यादा दिन आईसीसी के नंबर वन बैटर रहे हैं। बिलाशुबा बाबर आजम की फॉर्म वैसी नहीं जैसी उनसे पाकिस्तानी कौम एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हमारे पड़ोस की तरफ से जो जलन है और जो शोर मचा है आईसीसी की इस नंबर वन रैंकिंग पर कि बाबर आजम ने कोई मैच नहीं खेला फिर भी शुभमन गिल की जगह वो दोबारा नंबर वन पोजीशन पर आ चुके हैं, उसकी बेशक जितनी भी तावीलें दी जाएं, ये कहा जाए कि शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस वजह से। हालांकि ड्रॉप करने की वजह ये है कि T20 में वो कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाए और वनडे में रेस्ट का बहाना देकर दूसरे प्लेयर्स को खिलाया गया, और कल साउथ अफ्रीका ने उन सबको भी बुरी तरह धोते हुए 8 विकेट से भारत को शिकस्त दी है। बहरहाल भारत के मीडिया में बाबर आजम की इस रैंकिंग को लेकर क्या कुछ रहा है, आइए आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। मुबारक हो बाबर के फैंस को, पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि आपके बैटर बाबर आजम बन चुके हैं एक बार फिर ओडीआई में नंबर वन। कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई में बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी बाबर आजम की, पर अब बाबर आजम नंबर वन बन चुके हैं। क्यों भाई? क्योंकि इंडियन टीम की बदौलत। शुभमन गिल को हमने साउथ अफ्रीका के लिए ओडीआई में रेस्ट कराया, अब रेस्ट कराया जिसकी वजह से शुभमन गिल लॉस द पॉइंट्स एज ही वाज रेस्टेड इन साउथ अफ्रीका ओडीआई, मतलब उनके पॉइंट्स गिर गए क्योंकि उन्होंने वो साउथ अफ्रीका के ओडीआई मिस करे, उन्हें रेस्ट दिया गया। तो इसीलिए अब नए नंबर वन आपको दिखेंगे बाबर आजम, आपके प्यारे बॉब्जी द किंग, किंग कर लेगा। लेकिन बॉब्जी की बात करें, बाबर आजम की बात करें, जिस हिसाब की इन्होंने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी है बहुत बढ़िया नहीं रही। ओडीआई वर्ल्ड कप की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, वहां पर इनका फॉर्म पूरी तरह से डिप रहा है, लगातार रन नहीं बनाए, मतलब रन आ भी रहे थे तो बहुत स्लो आ रहे थे, बहुत कोई काम की इनिंग्स नहीं आ रही थी। और मोहम्मद आमिर ने एक बात कही थी कि आप नंबर वन शायद इस बार लगातार बने रहते हैं, क्योंकि जैसे बड़े बड़े बैटर्स की हम बात करते हैं वो लगातार सभी मैचेस नहीं खेलते, कभी कभार वो मिस करते थे, जैसे कि आप आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बाबर आजम खेलते। पर बाबर आजम से क्रेडिट छीनने वाली बात भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब की क्वालिटी है इनके पास, जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं, वो टेक्निकल जो टेक्निक जिस हिसाब की है इनके पास वो बहुत जबरदस्त है। और बाबर आजम बन चुके हैं ओडीआई में एक बार फिर नंबर वन बैटर। पर लेकिन रैंकिंग्स किस हिसाब से, ये भी आपको बता देते कि भाई कौन नंबर वन पे है, कौन नंबर टू पे है। हालांकि हर हफ्ते ये बदलते रहते हैं, नंबर वन का जो ताज है वो बदलता रहता है। शुभमन गिल के पास था, पर शुभमन गिल से जो ताज था वो सर पे जा चुका है बाबर आजम के, क्योंकि शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में रेस्ट दिया गया था, रेस्ट दिया गया तो फिर नंबर वन नहीं बन गए, क्योंकि शुभमन गिल के जो पॉइंट्स थे वो थोड़े से डाउन हो गए और वहां पे बाबर आजम थोड़ा आपसे ऊपर निकल गए। आयुष जरा दिखा दो यार रैंकिंग्स की अपडेट, भाई कौन है नंबर वन पे, कौन है नंबर टू पे, टॉप फाइव में किन किन ने जगह बनाई है। भाई पहले देखिए, पहले स्थान पे है आपके बाबर आजम 824 की रेटिंग्स के साथ, और टॉप पे बन चुके हैं आप, शुभमन गिल से ऊपर निकल चुके हैं। दूसरे पे है आपके शुभमन गिल 810 की रेटिंग के साथ। शुभमन गिल आपको इस वक्त ओडीआई सीरीज में नहीं दिख रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एंड इसीलिए ही उनके जो पॉइंट्स हैं वो गिर गए हैं। साथ ही में अगर बात करें तीसरे नंबर, तीसरा बैटर जो कि ओडीआई में तीसरे नंबर पर है वो है विराट कोहली। विराट कोहली की 775 की रेटिंग है, हालांकि जिस हिसाब से इनका ओडीआई वर्ल्ड कप में फॉर्म रहा है, और हालांकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खेले, पर अगर आगे ओडीआई में खेलते हैं तो फॉर्म जिस हिसाब का लगा हुआ है इस फॉर्मेट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नंबर वन जल्द ही विराट कोहली देखने को मिले, लेकिन अभी भी कहानी थोड़ी दूर है। बड़े दिनों से विराट कोहली ओडीआई में नंबर वन देखने को नहीं मिले। रैंकिंग है वाकई, जब आप रैंकिंग पे नजर डालेंगे, रेटिंग पे नजर डालेंगे तो आप यकीनन चौंक सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने
मतलब ना कोई तर्क पता चल रहा है ना कुछ, और एकदम से आईसीसी ने यहाँ पे शुभमन गिल का जो रेटिंग है वो 20 पॉइंट डाउन कर दिया है और बाबर आजम इस हिसाब से अब दुनिया के नंबर एक ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो आईसीसी के रेटिंग पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आइए एक नजर डाल लेते हैं रैंकिंग पे जो आईसीसी की तरफ से रिलीज की गई है, उसके बाद हम बात करेंगे आखिर क्यों और कैसे बाबर आजम वापस से नंबर वन बन गए हैं और बाबर आजम का हालिया परफॉर्मेंस क्या है, बाबर आजम क्या कुछ इन दिनों कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फैंस की तरफ से बाबर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सब पे एक नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त हम रैंकिंग से करते हैं। तो रैंकिंग पे ये नजर डालिए जो आईसीसी ने आपसे कुछ देर पहले ये रैंकिंग रिलीज किया है। इस रैंकिंग में आप देख पा रहे होंगे बाबर आजम का जो रेटिंग है, जो पॉइंट है बाबर आजम का, आप देखिए 824, ये पहले भी था 824 जब सुमन गिल नंबर वन बने थे, वहां पे भी बाबर 824 पॉइंट के साथ नंबर दो पे खिसक गए थे। क्यों? क्योंकि सुमन गिल तब 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर एक ओडीआई बैट्समैन बन गए थे। 8 नवंबर का वो घटना है जब सुमन गिल दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बने थे, ओडीआई नंबर एक ओडीआई बैट्समैन बने थे 830 रेटिंग के साथ। लेकिन इस वक्त आप सुमन गिल को नंबर दो पे देख पा रहे होंगे 810 रेटिंग के साथ। तो सवाल उठता है ये 20 पॉइंट जो है, ये 20 पॉइंट का जो अंतर है ये कहां से आया, कैसे आया, इस पे भी हम बात करेंगे। विराट कोहली आप देख सकते हैं नंबर तीन पे है 775 के साथ और रोहित शर्मा 754 रेटिंग के साथ नंबर चार पे नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस वक्त हर कोई यही जानना चाह रहा है आखिर सुमन गिल का जो 20 पॉइंट है, ये जो रेटिंग कम हुआ है आखिर क्यों और कैसे कम हो गया। बाबर का वो बरकरार है 824 तब भी था, 824 अभी भी है, और जैसे ही गिल का यहाँ पे 20 रेटिंग कम होता है गिल नंबर दो पे खिसक जाते हैं और बाबर 824 रेटिंग के साथ आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल अब यहाँ पे ये बन रहा है कि आखिर कैसे गिल का रेटिंग डाउन कैसे हो गया। हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, गिल जब नंबर वन बैट्समैन बने थे 8 नवंबर का वो दिन था जिस दिन आईसीसी की तरफ से ऐसी ही रेटिंग आती है और गिल 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर एक बैट्समैन बन जाते हैं, बाबर आजम 824 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर दो बैट्समैन ओडीआई बैट्समैन वहां पे बनते हैं। उसके बाद से अगर हम मैच पर नजर डालें, ओडीआई मैच पर नजर डालें, तो सुमन गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ सुमन गिल 51 रन सुमन गिल की तरफ से आता है, इसके बाद सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन की पारी गिल खेलते हैं और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गिल 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो 51 रन 80 रन और 4 रन इस नंबर वन रैंकिंग पे आने के बाद गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं 51 80 और 4, और ये आंकड़ा यकीनन इतना बुरा नहीं है कि 20 पॉइंट यानी 20 रेटिंग कम हो जाएगा गिल का इस आधार पे। और बाबर आजम चूंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में पहले ही बाहर हो गई थी तो उसके बाद से बाबर आजम ने ये कोई भी ओडीआई मैच खेला नहीं है। हाल में अगर देखें तो बाबर आजम टेस्ट मैच खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और यहां भी उनके बल्ले से कुछ खास हो नहीं पा रहा है, कुछ खास वो बैट से कर नहीं पा रहे हैं। यहां भी 21 रन पहली पारी में और दूसरी पारी में टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। लेकिन हम बात यहाँ ओडीआई पे कर रहे हैं, ओडीआई रैंकिंग आईसीसी की रैंकिंग पे इसीलिए सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए लोगों ने आईसीसी के इस रैंकिंग पे यकीन करना अब बंद कर दिया है। और इस तरीके से अगर आईसीसी ये नहीं बताएगा, आईसीसी की तरफ से ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि क्यों गिल का 20 पॉइंट है जो रेटिंग है वो कम होता है, आईसीसी को इस पे क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि हमने आपको स्कोर बता दिया है 51 रन और 80 रन और 4 रन, ये तीन पारी में से दो ऐसी बड़ी पारी है। गिल ऐसा तो नहीं है कि तीनों मैच में जीरो पे आउट हो गए, ऐसा तो नहीं है कि तीनों मैच में जीरो रन, 4 रन, 2 रन, 5 रन ऐसे गिल के बल्ले से आए। तो हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं जब आप रैंकिंग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे आप ये फेलियर भी देखते हैं, रन देखते हैं, बॉल फेसिंग देखते हैं।